आज ऐसों को खरीदा गया है जिनका नाम सिर्फ मुसलमान रखा गया है, कुछ औरतों को भी कुछ मर्दों को भी, आप उनको भी ना देखें, ये हर जमाने में रहे हैं, हर जमाने में रहे हैं। इस्लाम के खिलाफ ऐसों को इस्तेमाल किया जाता है। और मैं, मुझे तो इस बात का भी शक होता है, मैंने स्टडी की है यहूदी मजहब पर, तकरीबन 4 साल रिसर्च किया है, तभी इतना ज्यादा बोलता हूं उनके मुतालिक। यहूदियत में एक फिरका है दोनमा, डोनमा फिरका इसको कहते हैं, यहूदियों का एक फिरका है। उनका काम क्या है जानते हैं आप? उनका काम सिर्फ ये है कि वो अपने बच्चों का नाम मुसलमान रखते हैं। जितने भी यहूदी, उनके घर में जो बच्चा पैदा होता है उनका नाम मुस्तफा होता है, मुर्तदा होता है, मोहम्मद, अहमद, अब्दुल्ला, ये नाम रखते हैं अपने बच्चों के, और उनको पढ़ाते भी हैं, कुरान का हाफिज भी बनाते हैं, सब करते हैं, और उसके बाद फिर इस्लाम के खिलाफ लाकर खड़ा करते हैं। आपको अगर तारीख मालूम है तो सल्तनत उस्मानिया, उस्मानी खिलाफत, एम्पायर ऑफ उस्मान, ये 700 साल तक चली तुर्की की उस्मानी खिलाफत, जिसमें 3 बड़े आजम आते थे, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। बहुत बड़ी एक खिलाफत चली, ये 1921 में गिर गई 700 साल के बाद, खिलाफत उस्मानिया तुर्की की, जो सऊदी अरब पर भी तुर्कियों की हुकूमत थी, वही खिलाफत उस्मानिया की। वो आशिकाने मुस्तफा थे, सच्चे ईमान वाले थे, कई बादशाह उसमें गुजरे हैं, उनमें से एक बादशाह का मैंने जब पढ़ा था, अल्लाह अल्लाह क्या उनका अदब था। मदीना तैयबा से इस्तांबुल के लिए उन्होंने ट्रेन शुरू की थी, ट्रेन की पटरियां बिछाई थी, आज भी वो लाइन बिछी हुई मदीने में है, और तुर्की रेलवे स्टेशन अब भी मौजूद है मदीने में, जाकर देख सकते हैं आप। सुल्तान अब्दुल हमीद थानी, जब ये मदीना तैयबा से इस्तांबुल तुर्की के लिए उन्होंने लाइन बिछाई, उस जमाने में जब ट्रेन को चालू किया तो कोयले का इंजन भड़ आवाज आने लगी, तो सुल्तान अब्दुल हमीद थानी जो ओपनिंग के लिए आए थे, उनके हाथ में कोड़ा था, वो कोड़ा उठा करके उस रेल के इंजन को मारना शुरू किया और कहा, शहरे रसूल में इतनी बुलंद आवाज, हुजूर के मदीने में इतनी तेज आवाज तेरी। इंजन उस वक्त जो बंद पड़ा, आज तक वैसी ही, आज तक 100 साल का अरसा होने को आया फिर वो नहीं चला। ऐसे आशिकाने रसूल थे ये तुर्की, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद को इन्होंने बनाया तो एक ईंट को भी हुजूर के दरबार के सामने कट नहीं किया, 12 किलोमीटर दूर ले जाते थे, ईंट काट करके लाकर लगाते थे कि काटने की आवाज भी हुजूर के दरबार में ना आए। ऐसे आशिकाने मुस्तफा थे। इनकी खिलाफत को खत्म किसने किया, किसने खत्म किया? यही दोनमा फिरका। तुर्की में एक शख्स आया, मुस्तफा कमाल बाशा अतातुर्क, उसका नाम आज भी लिया जाता है तारीख में, उसको एक रेवोल्यूशन लाने वाले आदमी के हैसियत से जाना पहचाना जाता है, इनकलाबी शख्सियत मुस्तफा कमाल बाशा। इसकी रेवोल्यूशन शुरू हुई, इसने एक नया तरीका तुर्की में शुरू किया कि ये खिलाफत उस्मानिया जो थी वो इस्लामी कानून नाफिज करते थे, इस्लामी सजाएं देते थे, इस्लामी अदालत होती थी, सब तरीके इस्लामी होते थे। दूसरी जंग अजीम के बाद फिर ये जो है मुस्तफा कमाल बाशा की तहरीक जोर पकड़ गई और खिलाफत उस्मानिया खत्म हो गई, जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड ने बहुत साथ दिया मुस्तफा कमाल बाशा का, तुर्कियों ने भी उसे हाथों हाथ उठा लिया कि एक नया कुछ लेकर के आया है। उसका नयापन क्या था मुस्तफा कमाल बाशा का? 11 साल उसने तुर्की पर हुकूमत किया और सारे इस्लामी कानून तुर्की से खत्म कर दिया, सारे इस्लामी कानून मिटा दिया उसने, औरतों को पाबंदी लगाए कि कोई हिजाब ना पहने, हमारा दीन आसान है, इस्लाम के नाम पर हाफिज कुरान बनना मना है। मदरसों को उसने खत्म करवा दिया था, पूरे तुर्की से मदरसे नहीं थे, ये 1921 की बात मैं बता रहा हूं आपको, वहां से मदरसे खत्म, और जो उलमा थे अमामा पहनते थे उनके अमामे उतार दिए गए, उनको सूट बूट पर लेके आ गए। आज भी तुर्की में उसका असर देखने को मिलता है,
किसी तुर्की हाफिज कुरान को अगर आप बुलाएंगे तो सूट में ही नजर आएगा आपको, टाई सूट बूट में ही रहेगा, वो हाफिज कुरान होगा। उसने ये सारी चीजें बदल डाली 11 साल के अंदर पूरे, उसको एक रेवोल्यूशन नई तहरीक के तौर पर उठाया गया था। नाम क्या है? मुस्तफा कमाल बादशाह। तारीख आप पढ़ो पता चले। और 11 साल के बाद जब वो खत्म हुआ तो पूरी तुर्की को उसने बर्बाद कर रखा था, फौज को न्यूट्रल बना दिया था, यूरोप का उसमें दखल बहुत ज्यादा, अमेरिका का, बर्तानिया का, फ्रांस का बहुत इंटरफेयर तुर्की में। उन्होंने 100 साल एग्रीमेंट भी कर दिया, फास्फोरस एग्रीमेंट आज भी वो मौजूद है कि तुर्की के जो समंदर के बंदरगाह हैं, तुर्की वहां से एक पैसा भी हासिल नहीं कर सकता। 1923 से 2023 तक का एग्रीमेंट है, चंद सालों में वो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। यानी उस बंदरगाह से, पोर्ट से तुर्की को कोई इनकम नहीं, उस पोर्ट से जितने भी जहाज गुजरेंगे उसकी सारी इनकम यूरोप को जाएगी। आज भी कहने को इस्लामी मुल्क है तुर्की, मगर उसके अपने मुल्क से, बंदरगाह से वो पैसे नहीं ले सकता, टैक्स नहीं लगा सकता। 100 साल का एग्रीमेंट, ये सब किसने किया था? मुस्तफा कमाल बादशाह ने। मुसलमानों को अच्छी तरह से उसने तोड़ा था। 11 साल के बाद पता चला कि वो मुसलमान ही नहीं था। नाम क्या है? मुस्तफा कमाल बादशाह। और वो एक बहुत बड़ा कायद और लीडर बनकर के मुसलमानों का नई तहरीक चला करके तुर्की पर हुकूमत किया। बाद में उलमा ने बताया कि वो यहूदी दोनमा फिरके का आदमी था, जो यहूदी अपने बच्चों का नाम ही मुसलमान रख देते हैं यही फितने और फसादात के लिए। मेरे अजीजों, हम तो गफलत की नींद सो रहे हैं। ऐसे कई लोग हमारी उम्मत में दाखिल होते हैं सिर्फ हमारे अकीदों को गुमराह करने के लिए, हमें तोड़ फोड़ करने के लिए। आज जिन मुसलमानों को यहां खड़ा किया जाता है और जो बुरके वाली यहां पर पार्लियामेंट के पास या सुप्रीम कोर्ट में इस्लामी लॉ के खिलाफ मुकदमा दायर कर रही हैं, इन्हें पहचानो, इनके बुरके उठाओ तो पता चले कि ये किस जमात की है। यह है ही नहीं इस्लाम से, इनका ताल्लुक ही नहीं। मेरा तो यकीन ये और विजदान ये कहता है, जिस औरत को जरा बराबर राई के दाने के बराबर भी ये यकीन हो कि वो सैयदा कायनात फातिमतु जहरा की कनीजा है, वो तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट तो दूर की बात, वो अपने घर की दहलीज उंगलने को भी हजार बार सोचेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कौन सी औरतें हैं जिनको बुरका पहना करके लाया जा रहा है, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है, ये मुसलमान है नहीं। और जिन लोगों को एक मुखौटा बना करके पेश किया जाता है, देखो हमारे सामने भी मुसलमान है, क्या जुब्बा टोपी पहनाने से कोई मुसलमान हो जाता है? क्या ये दाढ़ी रखवा देने से कोई मुसलमान हो जाता है? इसीलिए हमारा दीन जाहिरी कैफियत का नाम नहीं है, हमारा दीन तो ईमान का नाम है जो कल्ब में मौजूद है। अजीजा ने गिरामी, उस तुर्की की इस तबाही और बर्बादी को जो एक शख्स ने बर्बाद किया था, 100 साल होने को आ गए, आज 100 साल के करीब आ गया, अल्लाह ने एक मर्द मुजाहिद को पैदा फरमाया, उर्दगान जो आज का प्रेसिडेंट है, उसने बड़े स्लोली और बड़े नरम अंदाज से तुर्की की फिर से दुनिया को बदल डाला। वहां के जो स्काफ पर पाबंदी थी उसको उसने सबसे पहले हटाया, खुद वो अपनी बीवी को स्काफ पहना करके ले आया। और जो प्रेसिडेंट आज तुर्की का है वो खुद हाफिज कुरान है, वो हाफिज कुरान है। और उसने मदारी से इस्लामिया को आम किया, पीराने इजाम को फिर उनकी खानकाहों से बाहर लाया कि आप अपने मैदान का इस्तेमाल करें। इसके जमाने में फिर एक मरतबा ऐसा भी हुआ था, तारीख को आपको मालूम होगी, चंद साल पहले फौजियों ने, वहां की मिलिट्री ने इसके खिलाफ बगावत की थी, सदर को गिराने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला की हिफाजत ऐसी कि तुर्की अवाम का एक मकबूल लीडर था, वो तुर्की अवाम पूरी सड़कों पर आई और फौजियों के उन तमाम बड़ी गाड़ियों के पहिए के नीचे सो गई, तो उनको शिकस्त हो गई। फिर फौजी अपनी तमाम तहरीकों से बाज आए और आज उस कायद के साथ चल रहा है तुर्की, अल्लाह सलामत रखे। और जो हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि अल्लाह तबारक व ताला
उसे उन्हीं उम्मीदों पर उतारे, कहीं कोई गुमराही ना आए, यह हमारी दुआ है। लेकिन आपको हालात में यह बताऊं कि जिन लोगों को लाया जाता है मुसलमान नाम से, हजार छानबीन के बाद किसी के पीछे रहो, इसलिए कि ये दुनिया इस जमाने में इतने प्रोपेगेंडे बना चुकी है कि पहचानना मुश्किल हो गया है। इन्होंने अपने बच्चों को बड़े बड़े लोगों तक पहुंचा दिया है, बड़े बड़े लोगों तक पहुंचा दिया है। यह हमारे दरमियान इख्तलाफात पैदा करने के लिए बड़े बड़े मशायख के बीच, बड़ी बड़ी तंजीमों के बीच, बड़े मदारिस के बीच जो फूट पड़ती है, मेरी तहकीक ये कहती है कि उन बड़े लोगों तक ये यहूदी पहुंचे हुए हैं, अपन इनके बच्चे पहुंचे हुए हैं। कैसे हमें पता चलेगा, नाम भी मुसलमान है और इनका दिल ही बताएगा। अब हम तो आलिमुल गैब नहीं हैं मेरे अजीजों, रब तबारक व तआला ने जो फरमाया वह हक है। यहां सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि रब ने इन क्यों पूछा, क्या है महबूब आप इन्हें पूछे कि क्यों ईमान लाने से लोगों को रोकते हो, ये रोकते होंगे तभी तो मौला ने पूछा। अब अगर हमसे कोई हजार कहे नहीं हम तो कोई ईमान लाने से नहीं रोकते, तो मैं नहीं मानूंगा क्योंकि मेरे रब ने फरमाया है कि तुम लोग रोकते हो, ईमान लाने से रोकते हो। किस तरह से आज हम तमाम लोगों का हाल वही जो मैंने बताया, ये प्रोपेगेंडा मीडिया के जरिए से, ये मुसलमानों को कमजोर करना है, ईमान लाए हुए लोगों को टेढ़ा करना है, हमारी शनाख्तें छीनने का काम यही कर रहे हैं आज, हमारी तमाम आइडेंटिटी खत्म करने का यही काम कर रहे हैं। चंद दिनों पहले अभी एयरपोर्ट में मेरे साथ मामला, इमिग्रेशन में मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरे सामने ही एक पंजाबी आदमी था, सिख था, और उसकी भी वो मेटल डिटेक्टर से उसने क्रॉस किया, और उसके बाद जो इमिग्रेशन करने वाले पुलिस होते हैं वो बदन पर सारी मशीन लगाकर चेक करते हैं जो भी उनका प्रोसेस है, उसने किया अपने बोर्डिंग पास पर, उसने थप्पा लगवाया, आगे बढ़ा, मेरी बारी आई तो मुझे भी चेक किया, वो हल्की सी चाबी भी हो या सिक्का भी हो तो बजने लगती उनकी मशीन, हम तो सारी चीजें उतार करके आए कुछ भी ना हो, लेकिन चेक करने के बाद कहा कि आप टोपी भी निकालो। मैंने कहा उतनी बड़ी पगड़ी नहीं उतरवाए तुमने, मेरी हल्की टोपी क्यों उतरवा रहे हो, सामने मेरे अभी आपने मशीन घुमाई, इतनी मोटी पगड़ी पहना उसको नहीं उतरवाया तुमने और मेरी तो हल्की सी टोपी है उतरवा रहे हो। कुछ नहीं कहा, कहा नहीं दरअ के उनके मजहबी चीज है वो लोग गवर्नमेंट से करवा चुके हैं इस चीज को, गवर्नमेंट से मनवा चुके हैं इस चीज को, कहा कि उनकी मजहबी चीज है और ये मेरी मजहबी नहीं है, ये मेरी मजहबी चीज है, मुझे आप ये लिख करके बताओ कि तुम्हारी मशीन कमजोर है कि टोपी के अंदर का तुम्हारी मशीन नहीं देखती, तो फिर जाहिर सी बात है टोपी जितने कपड़े की है उतना ही में कपड़े का मेरा जुब्बा भी है, तुम बाद में अगर जुब्बा उतारने के लिए भी कहोगे। वो हंसने लगा, कहा कि नहीं नहीं ठीक है चलो आप जिस तरह से वैसी ही रहो, टोपी के ऊपर से उतारा। थोड़ी देर के लिए दिल में ये बात आई, ये हरकत क्यों की जा रही है, क्यों की जा रही है, जानबूझ करके वो मशीन टोपी क्या 10 टोपियां पहन लो तब भी वो चेक करेगी, तब भी चेक करेगी। अरे मियां बड़े बड़े सूटकेस वो चेक करती है जो प्लास्टिक के हों फाइबर के हों, तो क्या टोपी के अंदर की चीज नहीं चेक करेगी, उसे सारी चीजें उस पुलिस वाले को भी मालूम है। लेकिन ये हरकत हमें हर्ट करने के लिए, हमें हर्ट करने के लिए कि तुम्हारी वैल्यू कुछ भी नहीं है, यहां पर हम तुम्हें कभी भी नंगा कर सकते हैं। थोड़ा दिल रोया इस बात पर कि यही हमारी आज पोजीशन है कि हमारी तारीख यहां पर ऐसी है कि हमने हजारों को तालीम से आशना करवाया, आज हिंदुस्तान में हमारी क्या कुर्बानियां नहीं है, जिस किले पर खड़े होकर पूरा भाषण देता है हमारा पीएम, वो हमारी ही तो जायदाद दे रही है, वो हमारी है। इस मुल्क को अगर अजायबात में से किसी ने पहुंचाया है तो वो इस्लामी सल्तनतें पहुंचाई है। बाद में क्या बना है, सारी चीजें इस्लामी वर्षा यहां पर मौजूद है, चाह करके भी खत्म नहीं करोगे।
ताजमहल को तुम तेज महल बना दो कि तो क्या तारीख खत्म हो जाएगी? तारीख खत्म हो जाएगी, तारीख तो वही रहेगी, नाम बदलने से कुछ होगा नहीं। लेकिन अफसोस इस बात का है मेरे अजीजों, जो हालात आज यहां पैदा किए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें हर्ट करने के लिए कि हम इतना आजीज आ जाएं कि हम दीन को छोड़ दें और ये कहने लगे नहीं ये इस्लाम ही नहीं चाहिए मुझको। कोई कमजोर अकीदे वाला हो तो वह ऐसा कहे, इसलिए ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है। और आप देख नहीं रहे, एक जगह जमात पूरी खड़ी है, चंद औबाश नौजवानों को खड़ा करके किसी एक मुसलमान पर हमला करो, उसे मारो, उसकी वीडियो बनाओ, वायरल करो। क्यों? खौफ और दहशत तुम्हारे दिलों में आ जाए, रोज सुन सुन करके एक दिन थक जाएगा। और कोई न्यूट्रल आदमी कहने लगा यार ये इस्लाम ही बुरा है, मुआज़ अल्लाह, वो उस हद तक तुम्हें लाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम यहां तक आ जाओ सोचने पर। कभी ये ख्याल भी आने ना देना, याद रखो मौला ने फरमाया कुल जा अल हक व ज़हक अल बातिल, ऐ महबूब आप फरमा दे हक को आना ही है और बातिल को मिटना ही। एक दिन गलबा तो आएगा ही। रब तबारक व ताला हमारी आजमाइशों का ये वक्त गुजर रहा है, इन्होंने जो आज हालात बनाए ये हमें हर्ट करने के लिए और कमजोर करने के लिए। आज लोग डर रहे हैं इस्लामी तालीम पढ़ने से। अब देखो मदरसों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा बनाएंगे, मदरसों में दहशतगर्दी सिखाई जाती है, टेररिस्ट बनाया जाता है। क्यों? इनको मालूम है कि मदरसे में कुछ भी नहीं मिलता। मियां मदरसे में हम जिंदगी गुजार करके आए हैं, सही तरीके से बैठने की चटाइयां नहीं मिलती हैं, कहां गोलाबारी होगी, कहां बंदूक मिले। वहां तो बहुत सारे हिंदुस्तान के मदारिस ऐसे हैं कि जो तलबा हमारे पढ़ करके आलिम बन करके आते हैं, इनसे जरा पूछो। मुझे खुद याद है हमारे जमाने तालिब इल्मी में, मैं नाम नहीं जिक्र कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह जिस इदारे में हम पढ़े हैं, जिस मदरसे में, दाल जो बनती थी उसके बारे में लोग ये कहते थे ये दाल ऐसी है इससे वजू भी करना जायज है, इतनी पतली दाल होती थी कि पूरा पानी होता था ऊपर और हल्दी का पानी। ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, अपने जमाने की बात कर रहा हूं। और जहां तलबा ऐसी चीजें खाते हैं और फिर सोने के लिए, मेरे खुद की बात भी मैं बता दूं कि मैं जिस इदारे में पढ़ता था जगह की तंगी थी और बारिश के मौसम में छत टपकता था तो बारी बारी हम दो तालिबे इल्म सोते थे। मेरी बारी रात के 2 बजे के बाद आती थी उस जगह पर सोने के लिए, और जो सोता था वो 10 बजे ही सो जाता था और 2 बजे उठ करके मुझे अपनी जगह दे दे, 2 बजे के बाद मैं सोऊं बारिश के दिनों में, कि उस जगह पर पानी टपकता है, बारी बारी सोते हैं। उन तलबा के बारे में तुम कहते हो कि ये टेररिस्ट होंगे, दहशतगर्द बनाया जाता है। छान मार लो पूरे हिंदुस्तान के मदारिस को, मियां हमारे यहां चाकू नहीं मिलती मदरसे में, कहां की बंदूक मिलेगी। लेकिन ये तमाम हालात क्यों बनाए जा रहे? इन कुफारों मुशरिकीन को भी मालूम है, ये सख्त तरीन दज्जाली कौम आरएसएस को भी मालूम है कि मदारिस में कुछ नहीं होता। लेकिन बोलो ऐसा कि आप मुसलमान अपने बच्चों को मदरसा भेजना ही बंद करते, और वो कर दिया आपने सबने, आज कर दिया है सबने। यही सुन सुन करके मौलाना बने तो लोग जो है पीछे पड़ जाते हैं, पता नहीं हमारे बच्चों को कहां मार डालेंगे। अभी अभी इन लोगों ने ट्रेन में एक हाफिजे कुरान को मार दिया, दिल्ली में कत्ल कर दिया, तरावी सुना करके जा रहा था वो हाफिज, उसे मार डाला, पूरे हिंदुस्तान में खबर फैलाई गई। क्यों मारा जानते हैं आप? यही डर पैदा करने के लिए कि आइंदा कोई भी मुसलमान अब मदरसों को भेजने से बच जाए अपने बच्चों को। तुम्हें ये कहां तक ले आएंगे, कहां तक ले आएंगे, वो एक लिमिट पार कर जाएंगे। इसलिए अपने दीन और अपने ईमान पर डटे रहो कि मैं जिस दीन को मान रहा हूं वो हक है और हक रहेगा, और अल्लाह ताला का दीन है। हजार ऐसी आपत्तियां आए लेकिन एक बात यह भी याद रखें कि आज तुम समझौता कर लोगे अगर हालात से, तो कल बिलाले हबशी को भी मुंह दिखाना पड़ेगा, कल हजरत खब्बाब बिन अल अरत को भी कयामत के दिन मुंह दिखाना पड़ेगा। वो अगर तुमसे पूछे मुझे तो गरम रेत पर लिटाया जाता था, अंगारों पे सुलाया जाता था,
फिर भी हमने अल्लाह अल्लाह कहना नहीं छोड़ा, और तुमने हिंदुस्तान में छोटी सी बातें क्या होने लगी, सब कुछ छोड़ दिया। कयामत के दिन आपको भी जवाब देना पड़ेगा। अजीजा ने गिरामी, ये हालात बद से बदतर आज बनाए जा रहे हैं। ये टोलियां बनाकर हमले करना किस लिए? खौफ और दहशत। दाढ़ियां पकड़ करके उन्हें कोई और कुफरिया बात कहने पर मजबूर कराना और उसका वीडियो बनाकर वायरल करना, क्यों? इसलिए कि पूरी कौम हुजूर की सुन्नत को खत्म कर दे। मियां, ये लोग कहीं पर भी दाढ़ी को देखेंगे तो पकड़ेंगे, मारेंगे। मैं ये सोचता हूं कि इतनी बुजदिल कौम तो मुसलमान हो ही नहीं सकती। अपने नबी के अमाल को इतनी आसानी से निकालकर गटर नालियों में फेंक दे। फिर क्या तुम्हारे पास अगर ऐसा वक्त आ जाए, मुआज़ल्लाह, मैं पूछूं, हमारे पास मुए मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूद है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो? मैं तो अपनी जान देने को तैयार हूं। नबी कौन है इन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप क्या कर सकते हो? आपका भी यही अकीदा है कि हम हुजूर के एक छोटे से बाल के लिए अपनी जान दे सकते हैं? आपका अकीदा है। लेकिन ये जो हालात बनाए जा रहे हैं, तुमने सारी चीजें छोड़ना शुरू कर दिया इनके डर से। एक दिन अगर ये तुम्हारे पास यहां पहुंच गए और कहने लगे कि ये तमाम चीजें फेंक दो, तो क्या नबी के मुए मुबारक तुम नालियों में बहा दोगे? तो ये तो वहां तक भी ले आएंगे तुम्हें, वहां तक ले आएंगे। क्या तुम्हें अगर वो अजानों के मुतालिक ये कहें कि अल्लाह अल्लाह ही क्यों पुकार रहे हो, अब ये भी वीडियो वायरल होने लग गए कि उसके साथ तुम तो गंगा जमनी तहजीब में रहते हो हिंदुस्तान में, थोड़े हमारे खुदाओं के नाम भी मिक्स करके भी पुकारो। तो मुझे तो ऐसा लगता है न्यूट्रल ट्रस्टी जो हैं वो आजकल में ऐसे भी फैसले लेने लगेंगे, थोड़ी देर अजान दे तो थोड़ी देर उनकी भी बातें कह जा रहा हूं, घंटा भी बजा लो, सीप भी बजा लो। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, ये जो समझौते हैं, हमारा नीचे को उतरना बहुत नीचे ले आएगा। और मेरे रब ने कुरान में फरमाया कि ये दो चीजें करेंगे, ईमान लाने से रोकेंगे या ईमान लाए हुए आदमी को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। ये दोनों चीजें ये करते रहेंगे, इसी में से गुजर कर चले जाना यही कामयाब मोमिन की अलामत है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या ही प्यारी बात फरमाई, आपके पास शहद का एक प्याला था, खूबसूरत प्याला, उसमें एक बारीक बाल था। एक लंबी हदीस है, मैं उसका एक ही टुकड़ा बयान कर रहा हूं। हुजूर ने पूछा, ऐ अबू बकर, ये खूबसूरत प्याला, इसमें शहद और एक बारीक बाल है, इसकी कोई मिसाल तुम्हारे दिमाग में आती? अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खूबसूरत प्याला जो है वो ईमान की तरह है, और ये जो इसके अंदर शहद है ये मोमिन की तरह मीठा है। जो ईमान वाला होता है वो शहद की तरह मीठा होता है। प्याला, जो खूबसूरत प्याला है ये ईमान है, और जो इसके अंदर शहद है वो मोमिन है, मीठा है। इसके अंदर एक बाल पड़ा हुआ था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान वाले का, मोमिन का इस दुनिया में ईमान बचा कर चले जाना इस बाल से ज्यादा बारीक काम, ये बाल से बारीक काम है। और हकीकत है कि आज उस शायर ने सच कहा, ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना, शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अल्लाह हमें इस्लाम पर बाकी रखे, इनके नित नए फितनों से हमारी हिफाजत फरमाए। ये जो हमारे ईमान के रास्ते पर रोड़े अटकाते हैं या कांटे बिछाते हैं, मौला हमें उन तमाम रजालतों से महफूज फरमा। कदीर जब्बार खुदा, तेरी ताकत और कुव्वत के सामने कोई भी ताकत नहीं, अगर तू हमें बचाए तो दुनिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ऐ रब्बे कदीर, तू अपनी खास हिफाजत में हमारे ईमान को ले ले, हमारे आमाल को, हमारे घर बार को, हमारे अहले खाना को, हमारी नस्लों को, हमारे बच्चों को, सबके मौला मौत तक ईमान की तू हिफाजत फरमा। वाखिरु दावाना।